खबर सुमेरपुर से है, जहां नगर पालिका तखतगढ़ के अध्यक्ष ललित रंकावत की अध्यक्षता में गुरुवार को एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें बीजेपी और कांग्रेस के 25 में से 10 पार्षदों ने भाग लिया। वहीं इस बैठक को लेकर पालिका अध्यक्ष ललित रंकावत ने बताया कि बैठक में तालाब सौंदर्यीकरण को लेकर पार्षदों से चर्चा की गई। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि बैठक के बाद कांग्रेस पार्षद भंवर मीना ने प्रार्थना पत्र पेश कर साधारण बोर्ड बैठक आहूत करने की मांग रखी। इसके तहत ही पालिका उपाध्यक्ष मनोज नामा सहित 10 पार्षदों ने हस्ताक्षरित प्रार्थना पत्र पालिका अध्यक्ष ललित रंकावत को सौंपा। सुमेरपुर से अरविंद कुमार जोशी की रूपए। ये बोर्ड बने करीब 3 साल हो गए हैं और इस 3 साल के दौरान बोर्ड की बैठक केवल 2 बार ही आउट हुई है। बीच में चूंकि प्रशासन शहरों के संघ की जो प्रक्रिया आ रही है, तो उस दरमियान बोर्ड की बैठक होने से भी, अलबत्ता बजट की बैठक जरूर हुई है, तो काफ़ी समय हो जाने की वजह से आज सभी पार्षदगण इकट्ठा हुए थे तालाब सौंदर्यीकरण की बात को लेकर। उस समय चर्चा चली और सभी ने एक प्रार्थना पत्र दिया है कि समय आ रहते अब बोर्ड की बैठक बुलाई जाए। भी मैं तो यार इसी अगले महीने में पार्षद बनाऊँ, लेकिन उससे पूर्व मात्र एक साधारण बोर्ड बैठक आउट हुई है। बोर्ड बैठक नहीं होने से नगर के विकास की योजना है या ऐसी कोई भी सच्चाई वो नहीं हो पाती है। तो आज जो चेयरमैन साहब ने कोई तालाब सौंदर्यीकरण के लेकर आवश्यक बैठक बुलाई थी अर्जेंटली, उसमें मैंने चेयरमैन साहब को लिखित में एप्लीकेशन दिया है कि आप इसी माह में बोर्ड बैठक बुलाएं, जिससे नगर के विकास की योजना बनाने में हमारी सहभागिता हो सके। 2 बैठक हुई है, उस कारण से सभी पार्षद आज बैठक थे। उस तालाब सौंदर्यीकरण की चर्चा विषय में पार्षद को ज्ञापन दिया कि बोर्ड की बैठक आउट की जाए, जिससे गांव के विकास हो। उसमें हमारे जो एजेंडे हैं, जो आपके नगर पालिका प्रशासन के द्वारा जो नगर एजेंडे थोपे गए, उनको नहीं, हमारे एजेंडे लेकर उसके विचार विमर्श किया। 3 साल करीबन हो गए हैं, लेकिन सिर्फ मात्र 2 ही बोर्ड की बैठक ली है, बाकी आज दिन तक 1 भी बोर्ड की बैठक नहीं ली है। तो पक्ष और विपक्ष दोनों में आज गुच्छा देखा और दोनों ने अध्यक्ष महोदय के समक्ष अपने प्रार्थना पत्र दिया है कि बहुत ही जल्दी 1 बोर्ड की बैठक बुलाई जाए।